जिंदगी में जिस बंदे ने कभी भी हार को फेस नहीं किया है, कभी हारा नहीं है, वो कभी तरक्की नहीं कर सकता। लड़कियां इंप्रेस करने के चक्कर में ना, आपके पास जो भगवान ने आपको एक जो मेल टूल दिया है वो हमेशा के लिए खराब कर दोगे। उसके साथ साथ अपने ऑर्गन हेल्थ की धज्जियां जो उड़ती हैं, वो 5-10 लाख रुपया मुझे आने लग जाए कहीं से, मैं कमाने लग पड़ू तो भाई आई विल नेवर टच स्टेरॉइड इन माय लाइफ। ये वाला समय भी देखा हुआ है भाई? हाँ देखा हुआ है। अच्छा। और इसके भी ऊपर अगर मैं बताना चाहूँ तो मेरे अंडरवेयर में भी शेप थे, मेरे पास वो लेने के पैसे नहीं थे। भाई इस टाइम पे अगर तुम्हें कह दूं ना, मैं बिलाल को हरा दूंगा, मैं भुवन को हरा दूंगा, आओ आप, मैं अपना बेस्ट लेके आऊं, आप अपना बेस्ट लेके आओ, हेड टू हेड चलते हैं, देखते हैं। ये वाला इंटरव्यू दोस्तों स्पेशल होने वाला है। आज मैं आप लोग को मिलवाना चाहता हूं लास्ट ईयर के एमेच्योर ओलंपिया के ओवरऑल विनर IFBB प्रो लवप्रीत सिंह। और दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं इनके होम टाउन जलंधर में, और आज दोस्तों मैं आप लोगों को इनके बारे में जो है बताना चाहता हूँ और रॉ बातचीत करेंगे इनके साथ। और ये वाला इंटरव्यू नहीं आप लोग कह सकते, रॉ बातचीत हो रही है हम लोगों की। और हाँ भाई, वैसे वो वाला मसाला भी भरा हुआ इस वीडियो के अंदर, जिसके लिए कि आप लोगों ने इस वीडियो पे क्लिक करा है। और हम लोग इस वीडियो के अंदर डेली प्रो शो के बारे में भी बात करने वाले हैं, और दोस्तों आप लोगों को बेसिकली एक IFBB प्रो का माइंडसेट के बारे में पता चलेगा। तो चलिए भाई, विदाउट एनी वेटिंग हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग हमारी बातचीत को एंजॉय कर सकते हो। ऐसे स्टार्ट करते हैं नॉर्मल। ऑल राइट, सो हेलो इंसाइडर्स, मेरा नाम है असीम और आप लोग देख रहे हो बॉडी बिल्डिंग इंसाइडर। तो गाइस, आज फाइनली चैनल पे हमारे आ चुके हैं लवप्रीत सिंह, एंड थैंक यू भाई आने के लिए चैनल पे। थैंक यू ब्रो। एंड जब से भाई ने प्रो कार्ड जीता था और वो भी ओवरऑल के अंदर, उसके बाद से हमारा इंटरव्यू का सीन ही नहीं बन पाया, तो फाइनली आज मैं लेकर आ चुका हूँ चैनल पे भाई को। और कुछ सीन ऐसा हो गया था, हम लोग पहले भी प्लान कर रहे थे, लेकिन अब फाइनली भाई चैनल पर आ चुके हैं। तो भाई मैंने सोचा कि एक इंटरव्यू नहीं इसको हम रखेंगे, हम लोग नॉर्मल बातचीत करेंगे आपके बारे में। आपने क्या क्या अकम्प्लिश करा हुआ बॉडी बिल्डिंग के अंदर। मेरी मैं बातें छोड़ता नहीं हूँ जल्दी, मेरी बातें बहुत लंबी हो जाती हैं। तो यस, हाँ इंटरव्यू तो क्या ही करना है यार, अपन कौन सा स्टार है, नॉर्मल एथलीट है, दैट्स इट। और पहली बार नहीं आया हूँ मैं आपके चैनल पे, आपने मुझे बहुत बार कवर किया, थैंक यू सो वेरी मच इसके लिए। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बॉडी बिल्डिंग इंसाइडर असीम भाई, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। लाइक अभी चलो भगवान का, वाहेगुरु का शुक्र है कि हमें कुछ अचीव हुआ है लाइफ में, तो हमें थोड़े आप जैसे लोग इतना प्यार देते हैं, जानते हैं। लेकिन ये उन टैलेंट को भी आपके तक लेके आते हैं जिनका शायद नॉर्मल लोगों को ना पता हो। थैंक यू भाई ने बहुत ज़्यादा जो है तारीफ़ों के पुल बांध दिए, लेकिन आज मेरे बारे में बात नहीं करेंगे, आज हम लोग लवप्रीत भाई के बारे में बात करेंगे। तो भाई स्टार्ट करते हैं, मेरे को एक्चुअली आपके करियर के बारे में जानना है। पहले स्टार्टिंग में बॉडी बिल्डिंग क्वेश्चन से करते हैं, ठीक है? करो आपका स्टार्टिंग, आप अपना ब्रीफ के अंदर इंट्रोडक्शन बताओ कि आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करी बॉडी बिल्डिंग की, एंड व्हाट चैलेंजेस डिड यू फेस इन योर अर्लियर करियर। इसके बारे में आप थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना, मतलब छोटे में बताना है। हाँ बिल्कुल। मैंने शुरू की थी जब मैं फर्स्ट ईयर में था, तब मैंने स्टार्ट की थी, और मुझे स्टार्ट कराने वाला मेरा बड़ा भाई था, उसने पहले ये स्टार्ट की थी। उसके बाद ये सबको स्ट्रगल ये फेस करना पड़ता है, ये हमारा एक मीडियोकर फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती ही आती है। उसके बाद साथ के साथ स्टडी को कैसे हमने जो मेंटेन रखना है अपना, उसको सेक्रीफाइस नहीं मैंने किया। सो ये मैं आपको भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपने अभी ये अर्ली 20s में हो, या आप कॉलेज स्टूडेंट हो, कॉलेज गोइंग हो, तो आप अपनी स्टडी को सेक्रीफाइस मत करना। बॉडी बिल्डिंग इज़ लाइक अ हॉबी, इसको हॉबी की तरह लो। हाँ ये मेरा मेजर स्ट्रगल था कि मुझे पढ़ाई के साथ साथ अपना फाइनेंशियली अपने आप को मैनेज करना था। और उसके बाद हाँ ये चीज़ें, जो एक सवाल मेरे मन के अंदर आता है वो ये कि आजकल जो यंग जनरेशन है, वो जैसे जो अर्ली मतलब जो टीनेजर्स होते हैं, जो कि 18-19 ईयर्स ओल्ड के जो लड़के होते हैं, वो स्टेरॉइड्स लगाना शुरू हो जाते हैं। तो आपको लगता है कि इट्स वर्थ इट, या उनको थोड़ा टाइम देना चाहिए अपनी बॉडी को, थोड़ा जो है बेस पहले उनको बनाना चाहिए अपनी बॉडी को, उसके बाद जाके कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग को सोचना चाहिए परस्यू करने के लिए, इसके बारे में आपके क्या थॉट्स हैं? भाई दो चीज़ें हैं, देखो कि आप ये क्यों कर रहे हो, सबसे पहले स्टीरॉयड्स आप क्यों यूज़ कर रहे हो, स्टीरॉयड्स यूज़ करने का पर्पज़ क्या है। लाइक हम बींग अ प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर, हमारी ये नेसेसिटी है, हमारी ये ज़रूरत है, हमें ये करना पड़ेगा। इसके अलावा हम उस रेस में रन कर नहीं सकते, बिकॉज और सारे एथलीट्स इनहेंस्ड हैं, मैं अकेला जाके उनमें खड़ा हो जाऊँगा तो मैं हारूँगा। आप ये क्यों करना चाहते हो, सबसे पहला क्वेश्चन ये है। 18-19 साल की एज नहीं होती है बॉडी बिल्डिंग की, क्योंकि बॉडी को मैच्योर होने में, आपने लिफ्टिंग कब स्टार्ट की, अगर आप 18-19 साल की एज में शुरू करोगे, 2-3-4-5 साल तो वो मसल मैच्योरिटी आने में लगती है। उस एज में सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी अच्छा लिफ्ट करना है, चार
तीन चार पाँच साल दो अपनी बॉडी को, नेचुरली ग्रो करने दो, अपनी डाइट अच्छी रखो। एक मैं हाँ यहाँ पे ज़रूर ये चीज़ कहना चाहूँगा कि जो पैसा आपने स्टीरॉयड्स पे खर्चना है वो पैसा एक अच्छे कोच में इन्वेस्ट करो, ताकि वो आपको इन चीज़ों की नॉलेज दे सके। क्योंकि कल को यार मैं आपको बताऊँ कि मैंने ड्रग्स यूज, हम करते हैं आज की डेट में, अगर मुझे कोई महीने का मैं 5-10 लाख रुपया मुझे आने लग जाए कहीं से, मैं कमाने लग पड़ूँ, तो भाई आई विल नेवर टच स्टीरॉयड इन माई लाइफ। चलो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आप तो जैसा एडवाइस दे रहे हो यंग जनरेशन को, लेकिन आपने कब स्टार्ट किया एक्चुअली के अंदर जो है बॉडी बिल्डिंग के अंदर जो है गियर यूज़ करना? चलो हम थोड़ा फ्रैंक होकर बात करते हैं कि आपने कब, ऐसी कौन सी एज के अंदर आपने स्टार्ट किया, और आपका एक्चुअल स्टार्टिंग में आपका गोल क्या था कि आपने ओलंपिया स्टेज पर जाना था यार, या फिर आपने सिर्फ एक अच्छी फिजिक बनानी थी, लड़कियों को इम्प्रेस करना था, वो बेसिक गोल क्या था आपका? भाई मैं ये बताता हूँ, लड़कियों वाला तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है ना भाई, हम पंजाब से, तो पंजाब में मेरे फादर साहब कबड्डी के प्लेयर थे, मेरे ताया जी कबड्डी के प्लेयर थे, और मेरे चाचा जी थे, हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, हम गांव में रहते थे, तो वो पोल वार्ड के प्लेयर थे, तो हमें शुरू से ही ना वैसा एटमॉस्फेयर मिला है। और उसके आने के बाद जब हम ये गांव से शहर में आए, तो मुझे मेरा भाई मिल गया। अच्छा। और हम दोनों ने इकट्ठे चलो बचपन गुजारा। उसके बाद आते आते इसी ने पहले बॉडी बिल्डिंग शुरू की, और इसकी तरफ देख के मैं शुरू हो गया फर्स्ट ईयर में। तो हाँ, मैंने कम्पीट करना फर्स्ट ईयर में स्टार्ट कर दिया था, लेकिन अगर आप गियर्स की बात, वो मैं यहाँ पे ओपनली तो नहीं ये बोलूँगा, क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर ये सुन रहे होंगे और वो शायद इस चीज़ को, उनको ये नहीं पता कि मैंने क्यों यूज़ किया, उनको ये होगा कि हाँ इसने कह दिया तो ये वैलिडेट हो गया, ये अब हम कर सकते हैं। तो नहीं, ये सबसे पहले आप अपने पेरेंट्स की रजामंदी लो, उसके बाद आप अपने डॉक्टर से पूछो वो कहता है नहीं कहता है, उससे भी पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग करनी है। अगर करनी है तो आपका बजट और आपको उससे होने वाले साइड इफेक्ट्स क्या होंगे। सो गाइज, आप लोग बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लर्न कर रहे हो फ्रॉम द प्रो, फ्रॉम द बेस्ट हिमसेल्फ। तो आप इस एडवाइस को बहुत ही सीरियसली लेना, ये कोई ऐसी एडवाइस नहीं जो कि कोई भी यूट्यूबर दे रहा है। लड़कियाँ ओके, लड़कियाँ इम्प्रेस करने के चक्कर में आपके पास जो भगवान ने आपको एक जो मेल टूल दिया है वो हमेशा के लिए खराब कर दोगे। उसके साथ साथ अपने ऑर्गन हेल्थ की धज्जियाँ जो उड़ती हैं वो, तो ये सब बात तो ठीक है लवप्रीत भाई, बट आपने ये वाला सवाल नहीं बताया कि आपने कौन सी एज के अंदर जो है स्टार्ट किया था गियर लेना भाई ये, एंड ऑब्वियसली आपका जो है स्टार्टिंग के अंदर आपका एक्चुअल गोल क्या था जब आपने वो क्यों लेना स्टार्ट करा? वेरी क्लियर कि मुझे कम्पीट करना है। ओके, जो मैं पहला शो मैंने कम्पीट किया था वो इट वॉज मेरे ख्याल से ये था इन 2013, यस माई फर्स्ट शो। और आप कितने साल के थे ये बताऊंगा तो आपकी एज पता लग जाएगी यार इन्हें। देख लो सारी हम जो है पोल खोलने वाले लवप्रीत भाई की। ना भाई मैं बहुत स्मार्ट हूँ ऐसे नहीं, तो मतलब काफी यंग थे वो। हाँ मैं उस टीनेज में था आपने, तो मुझे क्लियर हो गया था कि मुझे करूंगा तो मैं यही करूंगा, इसके अलावा मेरे से आप करेंगे और भी कुछ चीजें, लेकिन ये था। उसके बाद मैंने चार पाँच साल लगाए, हमने नेचुरली हमारे साथ कुछ अच्छे मेंटोर थे हमारे, उन्होंने हमें अच्छी गाइडेंस दी, और उसकी वजह से हमने बहुत बेस स्ट्रॉन्ग किया अपना, उसके बाद इस तरफ आए। लेकिन चार साल की लिफ्टिंग एटलीस्ट मेरी नेचुरल थी। चलो ठीक है लवप्रीत भाई, जैसे मैंने थोड़े बहुत एथलीट्स का इंटरव्यू लिया जो कि IIBB प्रोज हैं, उनकी लाइफ के अंदर ना कुछ चैलेंजेस होते हैं जब उन्होंने अपनी बॉडी बिल्डिंग जर्नी स्टार्ट करी होती है, तो क्या ऐसे चैलेंजेस आपने भी फेस करे थे अपने स्टार्टिंग ऑफ द करियर के अंदर, या फिर अभी आप कुछ फेस कर रहे हो, आप कुछ खुल के बता सकते हो कि वो क्या चैलेंजेस थे अगर आपने फेस करे हैं तो? जो मैं पहले फेस कर रहा था डेफिनेटली, जो मैं ये बात सच में बताना चाहता हूँ ये भाई कि ना हम कंप्लेनेंट है बहुत बड़े अपनी लाइफ को लेके, बट वी डोंट रियलाइज दैट कि हम कितने ब्लेस्ड हैं। मैं जिस लाइफ का कभी ड्रीम लिया करता था ना अपने कॉलेज डेज में, स्कूल डेज में, कि मेरा फिजीक ऐसा हो, मेरे पास अच्छे ब्रांड्स हों, मैं अच्छे कपड़े पहनता हूँ। कॉलेज में मैं जाता था, कॉलेज में मेरे पास एक जीन्स, और मेरा भाई खड़ा उसे भी पता है, एक जीन्स और एक शर्ट, दो शर्ट्स होती थी। अच्छा। और नकली वुडलैंड के जूते होते थे मेरे पास। तो मतलब ये वाला समय भी देखा हुआ है भाई? हाँ देखा हुआ है। अच्छा। और इसके भी ऊपर अगर मैं बताना चाहूँ तो मेरे अंडरवेयर में भी शेप थे, मेरे पास वो लेने के पैसे नहीं थे उस टाइम पे, ये बहुत ज्यादा बता रहा हूँ मैं भाई। तो भाई लवप्रीत भाई कुछ ज्यादा ही फ्रैंक हो चुके हैं, तो काफी अच्छा है, मतलब अच्छी बात है वो खुल के बता रहे हैं सीक्रेट्स। मैं आप रिलेट कर सकते हो आप लोग मेरे साथ, अगर आप इस सिचुएशन में हो ना घबराओ नहीं यार, बिल्कुल नहीं घबराना, कोई चक्कर नहीं है। आप सोचना ही तो है, सपने ही लेने हैं, बड़े ले लो यार, फिर क्यों छोटे लेने, उनमें क्यों कॉम्प्रोमाइज करना, बड़ी सोच रखो।
उन दिनों में ये ये यही था, लेकिन मैं अब आज की डेट में मैं जो वो सारे मेरे ड्रीम्स थे वो पूरे हो रहे हैं आज, और आज की डेट में मैं और फिर कंप्लेन कर रहा हूँ। सो जो आपके पास है उसमें खुश रहना सीखें और अपने ड्रीम्स को ऑलवेज हाई रखें और उसके लिए मेहनत करते रहें। तो भाई ये तो माइंडसेट वाली बात हुई कि हमेशा जो है कंप्लेन नहीं करना, चैंपियंस माइंडसेट रखना है, कोई भी सिचुएशन है उसको फेस टू फेस फेस करना है। जी तो डेफिनेटली भाई, अब जैसे खर्चे के बारे में बात करते हैं बॉडी बिल्डिंग की, आपने जो है बात करी थी कि बॉडी बिल्डिंग सोच समझ के स्टार्ट करनी चाहिए, तो आपकी स्टार्टिंग ऑफ द करियर के अंदर आपका कितना खर्चा लगा था, और अभी व्हेन यू वॉन द आईबीबी प्रो कार्ड, मतलब ओवरऑल टाइटल जो आप जीते थे मेंस फिजिक में शेरू क्लासिक में जो एमेच्योर ओलंपिया था, यस यस, तो उसके अंदर और आपकी स्टार्टिंग ऑफ द प्रेप के अंदर कितना खर्चा है, और हमको एग्जैक्ट फिगर जानना है, तो उसके बारे में आप बताइए। बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर, आजकल के दिनों में तो जब ये मैं प्रेप कर रहा था तो मेरा अप्रोक्सीमेटली 70,000 to 1,00,000 इन अ मंथ तो वो मेरा प्रेप का खर्चा आ रहा था। तो इसमें मुझे मुझे ख्याल से इसमें कैटेगराइज करने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें क्या क्या आता है क्या क्या नहीं आता है। मैं ये बता दूं कि क्या जो चीज़ें शायद आपको नहीं पता है वो भी इनमें आती हैं, आपके डॉक्टर की फ़ीस जो कि बहुत ही ज़रूरी है, आपको अपना चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या हो रहा है आपकी बॉडी के अंदर आपको आपको शायद नहीं पता हो सकता, आपका डॉक्टर इसको बहुत अच्छे से जान सकता है। वो बहुत पैसे उस पर लगते हैं, खुद को बचाने में आपके ज़्यादा पैसे उसमें जाते हैं। इनिशियल डेज में तो कुछ था ही नहीं, डॉक्टर्स का कोई रोल नहीं था, बस एक कोच होना चाहिए एंड दैट्स इट। और कोच के साथ साथ हाँ, तब शायद मुझे याद है 2015 की बात है ये, मेरे पास पैसे नहीं थे तो मेरे मदर ने ना मुझे अपना थोड़ा गोल्ड दिया। अच्छा, क्या कि ये ले ले, गोल्ड की चेन दी थी या गोल्ड का क्या दिया था, रिंग दी थी उन्होंने, अपनी गोल्ड की बालियाँ दी थी मुझे। अच्छा, तो वो गोल्ड की बालियाँ आज की डेट में वो गोल्ड मेडल भी मुझे ला के दे दिया उसने, प्रो कार्ड भी ला के दे दिया। सो उस सम वो ये भी टाइम था, वो भी टाइम था कि जब हमारे पास इतना तक नहीं था और आज इतना है कि इतना है कि भाई की आप देख सकते हो कितने इन्होंने इतने अच्छे ब्रांड के साथ ये स्पॉन्सर्ड हैं, पैसे कमा रहे हैं, फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, देख सकते हो भाई सब कुछ कर रहे हैं। ही इज़ लिविंग द ड्रीम ऑफ एन आईबीबी प्रो, जो एक बॉडी बिल्डर का ड्रीम होता है, शो ऑफ नहीं कर रहे, रियलिटी बता रहे हो। एंड भाई मैं आपसे एक और एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है जो कि मैं जानना चाहता हूँ, वो ये है कि कई आईएफबीवी प्रोज हैं, मतलब उन्होंने कहा था कि 15,000 रुपये पर मंथ की उसमें जो है तैयारी हो जाती है एक प्रो एथलीट की, क्या ये सच है या फिर नहीं है भाई? आपके साथ ये सच हो भी सकता है, और मेरे केस में ये सच नहीं है। ओके, मैं अपने जेनेटिक्स मैं ब्लेस्ड हूँ, मुझे लगता है कि मेरे जेनेटिक्स बहुत टॉप नॉच जेनेटिक्स है मेरे पास, एलीट जेनेटिक्स तो आपको ये लगता है? हाँ, एलीट जेनेटिक्स होने के बाद भी अगर अगर मैं इसके बाद भी अगर मेरे को इतना लग रहा है, मुझे इतने एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं, तो उसके लिए बिकॉज इतने में नहीं होता, बॉडी बिल्डिंग इज़ एन एक्सपेंसिव स्पोर्ट, इसके लिए आपको लगते हैं यार अच्छे खासे लगते हैं। अदरवाइज़ ये जो आप 15,000 वाली बात कर रहे हो वो अलग ही आईएफबीबी प्रोज होंगे, मैं नहीं जानता उन्हें, शायद वो सही कह रहे होंगे, लेकिन मेरे केस में तो नहीं। तो आपने सुन लिया दोस्तों कि 15,000 रुपये के अंदर कई लोगों के लिए हो सकता है who have elite genetics, but मेरे depend, है elite genetics, इसके बाद भी भाई ज़्यादा लगते हैं, इतने नहीं लगते। तो आप देख सकते हो भाई मतलब काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे कि डॉक्टर की फीस हो गई और काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जो कि खर्चा ऐड कर देते हैं। तो भाई ये सब बात हो गई खर्चों की आपकी, क्या आपने परेशानियाँ फेस करी स्टार्टिंग ऑफ द करियर के अंदर, आपकी स्टार्टिंग कैसी हुई जर्नी के अंदर। अब मैं बात करना चाहता हूँ दिल्ली प्रो शो के बारे में, अरे जिसमें कि आप कम्पीट करने वाले हो, ठीक है भाई कंफर्म कर चुके हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अब जैसे कि बिलाल अली आने वाले हैं, अब भुवन चौहान भाई के बारे में भी नहीं पता कि शायद वो भी आ सकते हैं, तो अगर बिलाल अली आ गए तो लोग तो ये कह रहे हैं कि अगर वो आ गए तो वो तो डेफिनेटली जीत ही जाएंगे। अब इसके बारे में आपका क्या कहना है कि आप जो है उनको टक्कर दोगे, मतलब कई टक्कर देने वाले हो, या फिर उनको जो है मतलब ऐसे ही आपको लगता है कि हम तो हार मान जाएंगे, हम तो अपने हाथ पांव नीचे करने वाले हैं? भाई अपना शुरू से एक मैं इसको बोलूँगा कि मेरी पर्सनैलिटी, मैं खुद एक ऑरा लेके चलता हूँ अपना। हम पहले भी मिले थे एमेच्योर शो के, जब मैंने प्रो कार्ड जीता उससे पहले भी आपने मुझसे ये सवाल पूछा था कि हमें कैसा दिख क्या वर्जन देखने को मिलेगा या कैसी फिजिक आपको देखने की मिलेगी। तो मैंने आपको बोला था यू गोना सी माई बेस्ट वर्जन, मुझे नहीं पता मैं हारूंगा जीतूंगा, मेरा वो बेस्ट होगा, चाहे वो बिलाल भाई यू आर मोस्ट वेलकम टू इंडिया, चाहे भुवन आओ आप भी, मैंने उनके साथ ऑलरेडी स्टेज शेयर की है भुवन के साथ,
चाहे कोई भी हो, यू आर मोस्ट वेलकम। मैं अपना बेस्ट लेके आऊँगा और जो मेरा बेस्ट होगा वो मुझे खुद को रियलिटी चेक देगा कि मेरा बेस्ट उनके बेस्ट से अच्छा है या नहीं है। तो ये मेरे लिए चैलेंजिंग है, उनके लिए नहीं है। चलो मैं चैलेंजिंग सवाल पूछने वाला हूँ, आपको क्या लगता है फर्स्ट कॉल आउट के अंदर लवप्रीत भाई आ सकते कि नहीं आ सकते? माई क्वेश्चन टू यू। 100% इस बात की श्योरिटी है। तो गाइज यू हर्ड इट हियर फर्स्ट कि लवप्रीत भाई कह रहे हैं कि वो फर्स्ट कॉल आउट के अंदर आने वाले, ही बिलीव्स इन इट, उनको कॉन्फिडेंस है पूरा कि दिल्ली प्रो शो के अंदर फर्स्ट कॉल आउट के अंदर आएंगे हमारे लवप्रीत भाई। बिल्कुल आएंगे, डेफिनेटली। मे बी फर्स्ट कॉल आउट से आगे आगे भी चले जाएं, यस डेफिनेटली। तो गाइज इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस, ये कोई आप इसे फेकनेस नहीं कह सकते, ये सारा एक रियल आपको एस्पेक्ट दिखा रहा हूं इनकी तरफ से। भाई इस टाइम पे अगर तुम्हें कह दूं ना, मैं बिलाल को हरा दूंगा, मैं भुवन को हरा दूंगा, शायद ये बड़ा मतलब इमेच्योर सी ये चीज़ लगे, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन आओ आप, मैं अपना बेस्ट लेके आऊँ, आप अपना बेस्ट लेके आओ, हेड टू हेड चलते हैं, देखते हैं बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन की आपकी मेरी क्या जगह रहेगी उसके सामने। बिलाल हैड वॉन सो मेनी यू नो प्रो शोज, तो मैंने अभी डेफिनेटली खतरा तो है ही है। तो आप उनकी फिजिक के बारे में क्या, आपको क्या लगता है कि बिलाल अली जो है एक बहुत ही इंप्रेसिव बॉडी बिल्डर है मेंस फिजिक के, उनकी फिजिक में आपको ऐसी कोई कमी नजर आती हो जो कि आप कह सकते हो कि मतलब उनकी फिजिक में आपको कोई कमी लगती हो? बिलाल इज़ अ गुड मेंस फिजिक कॉम्पिटिटर, लेकिन उसके अलावा हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे एथलीट हैं जिनके पास कमियां नहीं, जिनके पास खूबियां ही खूबियां हैं। उनमें से सबसे पहले आता है लवप्रीत सिंह। तो पहले उसको देख लो भाई। हाँ लेकिन यस, उनके अगर हम ओलंपियन देखें तो उनके लेवल का हमारे पास सिर्फ साइज नहीं है, और साइज में हमारे कुछ अच्छे एथलीट हैं। IFBB प्रो रवनीत सिंह फ्रॉम पंजाब, ओनली ही हैज ग्रेट जेनेटिक्स भाई, वो बंदा, हिज शोल्डर टू वेस्ट रेशियो इज जस्ट इनसेन गाइस, यू कैन चेक इट आउट, आपको इंस्टाग्राम पे उनकी प्रोफाइल मिल जाएगी जी। तो ये सारे ये है, सैम है हमारे पास, उसके बाद राहुल है हमारे पास, राहुल फिटनेस द मोस्ट डेंजरस एथलीट, और उसके बाद आने वाले कई प्रोज हैं जैसे जीजो जॉन, ही गोना टर्न द प्रो वेरी सून, तो वो आने वाला है। वो जब प्रो शो जीत जाएगा, वो जो प्रो कार्ड जीत जाएगा उसके बाद प्रो शो भी तो खेलेगा, ही गोना बी बिगेस्ट थ्रेट। और इस बारी ऑफ सीजन के अंदर जो अपडेट्स दे रहे हैं जीजो जॉन भाई, आप लोग उनकी साइज देख सकते हो, उनकी फिजिक में जो उन्होंने ऐड करा, तो डेफिनेटली ही इज गोना बी अ वेरी डेंजरस एथलीट एट द शेरू क्लासिक दिस ईयर। तो भाई ये तो डेफिनेटली बहुत ही आपने बढ़िया बात कह दी, आपने दिल्ली प्रो शो का भी अपना इंटरव्यू दे दिया, और मुझे याद है कि जब आपका मैंने एमेच्योर ओलंपिया वाला इंटरव्यू लिया था तो अब अगले ही दिन ओवरऑल टाइटल के अंदर प्रो कार्ड जीत गए थे। सो दिस इंटरव्यू माइट बी द लकी इंटरव्यू फॉर यू, गॉड नोज। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करो इस बारी दिल्ली प्रो शो के अंदर। सो फाइनल मैसेज, कोई पॉजिटिव मैसेज, कोई मोटिवेशन मैसेज, क्योंकि मैं चाहता हूँ इसको पॉजिटिव रखा जाए, इस इंटरव्यू को रियल रखा जाए, तो पॉजिटिव मैसेज फॉर यूथ फ्रॉम लवप्रीत सिंह द IFBB प्रो। मेरा कोई मैं मैसेज नहीं देना चाहता हूँ, कि बिकॉज हर एक बंदे की लाइफ में ना उसकी अलग प्रॉब्लम से वो डील कर रहा है आज की डेट में। हम सिर्फ एक दूसरे के साथ रिलेट कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को, ये वो सब चीज़ों को। बस आपको कभी भी मेरे ख्याल से, अगर आपको मेरे से, मेरी लाइफ में मुझे लगता है कि कुछ है नहीं ऐसा कि आपको सीखना पड़े मेरे से, आपकी अपनी लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जिनसे आपको खुद को सीख मिल सकती है। अगर मेरी लाइफ से कुछ सीखना चाहते हो तो क्विटिंग इज़ नेवर एन ऑप्शन इन माई डिक्शनरी, और वो मेरी लाइफ में कोई ऑप्शन है नहीं। जिंदगी में कभी गिव अप नहीं करना, करते रहो। और एक और चीज़, जिंदगी में जिस बंदे ने कभी भी हार को फेस नहीं किया है, कभी हारा नहीं है, वो कभी तरक्की नहीं कर सकता। बिकॉज आप हारते हो डेफिनेटली, आपको उस पेन का एहसास होता है कि मैं फिर से हार गया, फिर ट्राई करते हो, फिर जीतते हो, नहीं भी जीतते फिर ट्राई करते हो। जो बंदा पहली बार आया और जीत गया ना, उसको उसमें वो आग नहीं होगी, वो तड़प नहीं होगी। सो अगर आप बार बार इफ यू आर फॉलिंग डाउन और आप गिर रहे हो, गिरे नहीं रहना, उठो चलो दौड़ो, फिर गिरोगे, फिर उठो चलो दौड़ो और अपनी रेस जीतो, दैट्स इट। सो गाइस दैट्स द लाइफ, ये कोई बॉडी बिल्डिंग लेसन नहीं था, ये लाइफ का लेसन था जो कि लवप्रीत भाई ने शेयर करा है। ये सिर्फ आपको बॉडी बिल्डिंग के अंदर हेल्प नहीं करेगा, ये आपको आगे आने वाली लाइफ की जो सिचुएशन और प्रॉब्लम्स होंगी, स्कूल जाने वाले लोग, आपको हेल्प करेगा। हाँ मैं यार इसमें मैं बता रहा हूँ, मुझे कुछ भी इजी नहीं मिला है। मेरी ग्रेजुएशन मैंने BCOM की है, 3 साल की डिग्री 4 साल में पूरी की है मैंने। मैंने MBA की है, वो भी मैंने अपने लास्ट अटैम्प्ट में पूरी की है। okay. और उसके बाद प्रो कार्ड मुझे 11 साल बाद मिला है।
सो आप ये अंदाजा लगाओ ना यार कि आपको छोड़ना नहीं है, गिव अप इजीली नहीं, जिंदगी में आए हो यार, इस दुनिया में आए हो, अपने सपने ना पूरे करके जाओ यार, ये कैसे हो सकता है, करो यार करो, इट्स वन लाइफ, इट्स वन लाइफ। एंड पीछे आपको डिवाइन न्यूट्रिशन का शेकर भी मिल चुका है, आपको आपको दिख चुका है, तो प्रमोशन भी हो चुकी है डिवाइन न्यूट्रिशन की, जो कि इस वीडियो के वैसे स्पॉन्सर है भाई। सो थैंक यू सो मच लवप्रीत भाई, थैंक यू ब्रो, थैंक यू, आपने बहुत ही अच्छा इंटरव्यू दिया है, एंड इट वुड बी वन ऑफ मेनी इंटरव्यूज जो कि आप चैनल पर दोगे। सो दिस इज मी असीम सहगल फ्रॉम बॉडी बिल्डिंग इनसाइडर एंड लवप्रीत भाई, द IFBB प्रो, साइनिंग आउट।